ननद के कपड़े। दिव्या और आकाश की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। दिव्या को ससुराल में एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसने जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी बड़ी ननद की भी शादी इसी शहर में हुई थी, इसलिए उनका आना जाना भी लगा रहता था। अरे आजा आजा काजल, कैसी है बेटा? बस माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। दिव्या बहू, नाश्ता तो लिया? देख काजल आई है। जी माँ जी, अभी आई। माँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप दोनों से मिलती भी चलूँ और ये भी देती चलूँ। अरे ये क्या है? माँ ये ना मेरे कपड़े हैं, मैंने बस 2-3 बार पहने होंगे, फिर नहीं पहने। आपको तो पता है मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से नए कपड़े ले लेती हूँ, इसलिए ये सारे कपड़े मेरे पास यूं ही पड़े रहते हैं। दीदी ये लीजिए आपके लिए चाय और नाश्ता। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई दिव्या, ये लो सारे कपड़े, आज से तुम्हारे वे, तुम पहन लेना इन्हें। पर दीदी ये कपड़े तो आपके हैं ना? हाँ मैंने इतने ज़्यादा पहने नहीं हैं, पर तुम पहन लेना, तुम नए कपड़े लो, इससे अच्छा है कि मेरे ही पहन लो। अरे हाँ सही तो बात है, अगर सारे कपड़े अच्छे हैं तो क्यों नहीं पहनेगी बहू, है ना दिव्या? वैसे भी तुम दोनों की बॉडी फिटिंग एक ही जैसी है, तो तुझे तो आराम से आ जाएंगे ये कपड़े। जी माँ जी। ये तूने अच्छा किया जो सब ले आई, खा मखा दूसरे पैसे क्यों बर्बाद करने हैं। हाँ माँ, वैसे भी दिव्या को तो ये कपड़े आ ही जाएंगे। हाँ हाँ पहन लेगी, तू चिंता मत कर, ऐसे और भी कपड़े हो ना तो ले आया कर, ठीक है? अरे माँ मेरे पास तो बहुत कुछ ले आऊँगी, अब मैं चलती हूँ, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। अरे दिल खोल कर शॉपिंग करना, ठीक है बिटिया। दिव्या उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसे काजल के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ननद और सास को मना करती तो ये भी सही नहीं लगता, इसलिए उसने वो कपड़े रख लिए। देखा कितना अच्छा लग रहा है ये सूट तुझ पर, अच्छा हुआ ना काजल तुझे ये कपड़े दे गई। हाँ हाँ सही है, ये कपड़े अच्छे तो हैं, वैसे भी हम एक परिवार के हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनने में कैसी शर्म। और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी तो लग रही है बहू। जी माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि घर में तो चल जाएंगे कपड़े, लेकिन बाहर कहीं जाना हो तो मैं सोच रही थी कुछ साड़ियाँ ले लेती हूँ। अरे रुक जा, मैं एक बार काजल से पूछ लूँगी, उसके पास कई सारी साड़ियाँ हैं, क्यों पैसे बर्बाद करना है। पर माँ जी वो तो दीदी की पसंद की होंगी ना, मैं सोच रही थी मैं कुछ कपड़े अपनी पसंद के ले लूँ। अरे बहू काजल की पसंद बहुत अच्छी है, तुझे उसकी साड़ियाँ पसंद आएगी ही। लेकिन माँ जी मैं ये कह रही थी कि दिव्या क्यों पैसे की बर्बादी करनी है, काजल दीदी के कपड़े की पसंद काफ़ी अच्छी है, तुम्हें उनके सही भी आते हैं और पसंद भी आएंगे, और वैसे भी मैं इतने महंगे कपड़े तुम्हें नहीं दिला सकता हूँ, दीदी के पास तो काफ़ी पैसा है इसलिए वो ये सब करती रहती है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतने महंगे कपड़े चाहिए भी नहीं, मुझे चलेंगे अगर आप सस्ते से भी दिलवाएंगे तो। अरे अगर तुम्हें इतने महंगे कपड़े पहनने को मिल रहे तो मना क्यों कर रही हो? हाँ बहू, और वैसे भी तो काजल कपड़े 3 या 4 बार ही पहनती है, उसके बाद उन्हें हाथ भी नहीं लगाती, इससे अच्छा है कि तू ही पहन ले। चल अब एक कप चाय बना दे मेरे लिए। जी ठीक है माँ जी। दिव्या ने मन मारकर कपड़े रख तो लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने का कभी उसका मन नहीं करता था, हमेशा से उसे यही लगता था कि ये किसी और के दिए हुए पुराने कपड़े हैं जो उसे पहनने पड़ रहे हैं। अरे दिव्या बहू, इतनी देर से किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं माँ जी, मैं बस अपनी माँ से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी सब ठीक है, मैं उनसे ये कह रही थी कि वहाँ मेरे मायके में ना मेरे बहुत सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, मेरी माँ ने भी मेरे लिए कई सारे नए सूट भी लिए हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ से मंगवा लूँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत है बहू, उन्हें क्या लगेगा कि हम तेरे लिए शादी के बाद कपड़े भी नहीं खरीद सकते, उनसे कह देना कि बिल्कुल नहीं। पर माँ जी वो कपड़े भी तो मेरे ही हैं ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें मंगवा कर पहन लेती हूँ, वैसे भी काजल दीदी के पुराने कपड़े तो मैं पहन रही हूँ, इससे अच्छा है कि खुद के पहनूँ। अरे दिव्या बहू कितनी बार कहा है कि उसके कपड़े पुराने नहीं होते, वो बस 3-4 बार पहनती है, और वैसे भी ये हमारे परिवार की बात है, काजल तेरी ननद है, उसके कपड़े तेरे कपड़े हुए, तू मायके से कपड़े मत मंगवा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन माँ जी इस पर बुराई भी तो क्या है? दिव्या ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने मायके वालों से कहो कि मेरे ससुराल वाले मुझे कपड़े लेकर नहीं देते, आप भेज दीजिए, अरे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी ठीक है। और काजल के कपड़े इतने महंगे होते हैं, तुझ पर कितने अच्छे भी लगते हैं, चल अब तू दिल छोटा मत कर और अपनी माँ से मना कर दे कपड़ों के लिए,
दिव्या जब भी कोशिश करती तो आकाश और शीला उसे कुछ न कुछ वजह देकर चुप करवा देते। अब दिव्या भी उस बात को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करती थी। अरे माँ, चाचा जी का फ़ोन आया था, कल अपने मोहन की सगाई कर रहे हैं, हम सबको बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो हम सब चलेंगे। हाँ दिव्या, तुम भी कल अच्छे से तैयार हो ना, वहाँ परिवार के काफ़ी लोग आने वाले हैं। जी ठीक है। तू ना कल वो काजल का गुलाबी रंग का सूट पहन लेना, उसमें ना तू बहुत सुंदर दिखती है। जी ठीक है माँ जी, मैं कल वही पहन लूँगी। आकाश और उसका परिवार अपने चाचा जी के घर आते हैं, जहाँ उनके परिवार के बाकी सारे लोग भी मौजूद थे। अरे बधाई हो, बधाई देवरानी जी, आपके बेटे की सगाई हो रही है। अरे आपको भी बधाई हो जी जी, आइए आइए बैठिए। आओ दिव्या बहू, तुम भी बैठो। जी चाची जी। अरे दिव्या बहू, बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो तुम। थैंक यू बुआ जी। एक मिनट, ये तो काजल का सूट है ना? हाँ हाँ, ये तो वही है, उसने अपनी शादी में पहना था, ये मुझे याद है ना जी जी? हाँ वही है। दिव्या बहू, तूने काजल से लेकर सूट पहना, क्यों तेरे पास अपना सूट नहीं है क्या? ए क्यों आकाश, लगता है अपने बीवी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही एक दूसरे का पहन लेती हैं दीदी और दिव्या। काजल को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो ना पहने किसी के पुराने कपड़े। क्यों जीजी, याद नहीं? वो तो रिंकी कभी कभी कुछ नहीं पहनती थी, कहती थी मैं किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे वो अपनी बहन के कपड़े नहीं पहनती तो भाभी के क्या पहनेगी, है ना जीजी? चलो अच्छा है, शीला के पैसे बच रहे हैं क्या शीला? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। अरे अच्छा ही है ना कि तुझे इतनी सीधी बहू मिली है। ज़रा सोच, ये भी काजल की तरह होती तो, कि हर महीने नए कपड़े चाहिए, उससे तो तेरा तो कल्याण ही हो जाता, क्यों? आजकल की लड़कियां अपने खुद के पुराने कपड़े नहीं पहनती, और ये दिव्या तो अपनी ननद के पुराने कपड़े पहन रही है। तू ना बड़ी भाग्यशाली है शीला। उस फंक्शन में शीला और आकाश के पास कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया था, उन्हें काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दुखी थी दिव्या, जो घर आने के बाद काफ़ी उदास सी हो गई थी। माँ कहाँ हो तुम? अरे यहीं हो बेटा, आजा अंदर आजा। अरे माँ, मैं ना कल मोहन की सगाई में नहीं आ पाई, मुझे एक जगह जाना था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। दीदी लीजिए पानी, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे दिव्या ये लो, अभी मोहन की जल्दी शादी भी होने वाली है ना, उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे सूट और साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये लो रखो तुम। काजल, दिव्या को इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो, मैं दिव्या को मोहन की शादी में नए कपड़े दिलवा दूँगा। अरे पर ये सारे नए नए कपड़े हैं भाई, और महंगे भी है, दूसरे कपड़े क्यों दिलवाने हैं? तो इतने ही अच्छे हैं तो तुम खुद पहन लो, लेकिन आज के बाद दिव्या तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। अरे पर आकाश ठीक ही कह रहा है काजल, आज के बाद तुम ये कपड़े कभी मत लाना यहाँ, ठीक है? दिव्या हमारे घर की बहू है, और खुद की पसंद के कपड़े लेगी वो, चाहे वो महंगे हो या नहीं, लेकिन अपने ससुराल के कपड़े ही पहनेगी, वो भी खुद के। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, तुझे भी अपने हाथों पर काबू रखना पड़ेगा, हर बार महंगे महंगे कपड़े लेना सही बात नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। दिव्या चलो हम अभी मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने। हाँ जा बहू, और अपनी पसंद का ही सब कुछ लेना। हाँ जी माँ जी। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी, वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती, लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते, मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती, उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी
मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते। देखो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता, वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी।
किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है, और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी, और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।